का ये बुलेट है, तो देखिए इसका मैं किक मार रहा हूँ, ये नीचे अटक जा रहा है। पता नहीं कुछ हुआ होगा, शायद स्प्रिंग का कोई इशू होगा, तो मैं इसे खोल के देख रहा हूँ क्या हुआ है, फिर आप सबको बताता हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका स्प्रिंग का इशू है क्या और कोई प्रॉब्लम है। तो बने रहे वीडियो में, मैं इसको खोल ले रहा हूँ, फिर बताता हूँ इसमें क्या हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने RH कवर खोल लिया है, तो इसका किक का जो समस्या था, तो इसका किक स्प्रिंग भी सही है। देखिए इसका किक मारने से तो अटक जा रहा था, तो किक स्प्रिंग भी सही है। तो किक जाम हो रहा था, इसका प्रॉब्लम यहाँ पे था कि जो ये एरिया है ना, यहाँ पे जाम हो रहा था, ये किक इसीलिए अटक जा रहा था। तो उसे मैं इस तरह का साइन पेपर ले आऊँ, इस तरह का साइन पेपर से तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको घिसाऊँ ऐसे, क्योंकि ये लेथ में नहीं कर सकते हैं, अगर मशीन से करेंगे ज़्यादा कट जाएगा। तो ऐसा साइन पेपर से 320 नंबर का साइन पेपर है, उससे इस तरह से रगड़ रगड़ के इसको फ्री करना है दोस्तों। तो अभी मैं गैस्केट उस्किट लगा लिया हूँ, अभी मैं फिट करने वाला हूँ, फिर आप सबको किक मार के दिखाता हूँ किक फ्री हुआ कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा किक, अभी मैं मारूँगा आप सबके सामने, देखिए हाथ से मार रहा हूँ, देखिए 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 फ्री हो गया दोस्तों। तो आप सबका बाइक में अगर इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो एक बार खोल के देखिए, स्प्रिंग सही है तो वहाँ पे जाम होता है, उसको अच्छा से साइन पेपर से घिस के लगाइए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों।